ज़रूर ट्राई कीजिएगा, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। इसको बनाने के लिए हमें चाहिए 3 अंडी, फॉर्म में नहीं आ जाता, एक अच्छा टेक्सचर नहीं बन जाता इसका क्रीमी सा। डंपिंग बैग ले लेंगे जिससे हम केक वगैरह डेकोरेट करते हैं, तो उसके अंदर हम ये बैटर ऐड करेंगे। तो बिस्किट तो ये देखें इस तरीके से बिस्किट का शेप आ गया है, उस पर हीट लगी तो वो शेप में आ गए, बहुत ही कड़क और क्रिस्पी बन के तैयार हुए थे, बहुत अच्छे बने थे बिस्किट। डाल के सेव कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, ये ख़राब भी नहीं होते बहुत। अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब, आई सब ठीक होंगे, वेलकम बैक टू माय चैनल ऐसा किचन व्लॉग। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही डिलीशियस है एग पॉइंट बिस्किट, जो कि बहुत ही इजी रेसिपी है, बिल्कुल बेकरी स्टाइल से हम बना के अपने बिस्किट तैयार करेंगे और परफेक्ट मेजरमेंट के साथ ये रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो प्लीज़ ज़रूर ट्राई कीजिएगा, वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। इसको बनाने के लिए हमें चाहिए 3 अंडे, जो कि रूम टेम्परेचर अंडे होने चाहिए, फ्रिज के रखे हुए अंडे का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे। और यहाँ पे मैं लूँगी एक बॉल जिसमें मैं अनसॉल्टेड बटर का इस्तेमाल करूँगी, 100 ग्राम ये बटर है, ये थोड़ा सा हार्ड है, इसमें 1 टेबलस्पून आइसिंग शुगर मैंने ऐड की है और इसको अब सॉफ्ट करेंगे थोड़ा। जब ये सॉफ्ट हो जाएगा अच्छे से, ये देखें इस तरीके से सॉफ्ट करेंगे, जब ये सॉफ्ट हो जाएगा अच्छे से तो इसको इलेक्ट्रिक बीटर या हैंड बीटर की हेल्प से, जो कि मैनुअल बीटर होते हैं उनके हेल्प से आप अच्छे से बीट कर लेंगे। जब ये बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा तो इसमें आइसिंग शुगर ऐड करेंगे 1/3 कप। अगर आपके पास आइसिंग शुगर नहीं है तो आप घर की रखी हुई जो चीनी होती है उसको भी पीस के इसमें ऐड कर सकते हैं। शुगर जो है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन 1 कप मैदे के लिए ये 1/3 आइसिंग शुगर परफेक्ट मेजरमेंट है। जब अच्छे से ये शुगर और मक्खन बीट हो जाएगा तो इसमें 1 by 1 करके अंडा ऐड करेंगे। सारे अंडे एक साथ ऐड नहीं कर देना है, एक एक करके हम इसमें अंडे को ऐड करेंगे और बहुत ही अच्छा बीट कर लेंगे जब तक ये क्रीमी फॉर्म में नहीं आ जाता, एक अच्छा टेक्सचर नहीं बन जाता इसका क्रीमी सा, तब तक हम इसको बीट करते रहेंगे। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो आप मैनुअली जो हैंड बीटर होते हैं उनके साथ कर सकते हैं, इजीली काम हो जाता है। ये देखिए बहुत अच्छा सा ये बीट हो रहा है और इसका जो टेक्सचर है वो बहुत ही क्रीमी बनता जा रहा है। वीडियो अगर अच्छी लगे ज़रूर से लाइक कीजिएगा, न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को एंड तक वॉच किया करें प्लीज़। अब इलेक्ट्रिक ये जो हमारा बीटर है इसका काम ख़त्म हो गया, कोई काम नहीं है अब इसका आगे। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, बहुत ही क्रीमी फॉर्म में है अभी। अंडे की एक स्मेल होती है तो उसको अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो अंडे की स्मेल ख़त्म करने के लिए आप इसमें 1 teaspoon वनीला एसेंस या वनीला शुगर ऐड करेंगे और 1 teaspoon ही बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे, बेकिंग सोडा नहीं। ये दोनों चीज़ें डाल के हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। वनीला एसेंस जो है वो काफ़ी बिस्किट्स में ऐड होता है। और यहाँ पे मैंने लिया है 1 कप मैदा जिसको हम छान के इसमें ऐड करेंगे ताकि जितनी भी एयर होती है और जितना भी इसमें थोड़ा बहुत भी कुछ होता है वो निकल जाता है। पिंच ऑफ इसमें सॉल्ट ऐड किया है, बैलेंस के लिए बहुत ज़रूरी होता है नमक, बिल्कुल थोड़ा सा हमने इसमें नमक डाल के अब इसको अच्छे से सॉफ्टली हम इसको हल्के हाथ से मिक्स करेंगे। एक अच्छा सा ये बैटर बन जाएगा, स्मूथ सा बैटर बनेगा, ये देखें लाइक दिस, ये बहुत अच्छा बैटर बनकर तैयार हुआ था। 1 कप मैदे से बहुत सारे बिस्किट बन के तैयार होते हैं। इसको प्रोफेशनल लुक के लिए आप इसमें जो फूड कलर का वाटर होता है वो ऐड करेंगे, तकरीबन 1 teaspoon मैंने लिया था, इससे बहुत अच्छा कलर आता है, बिल्कुल बेकरी स्टाइल बनते हैं बिस्किट। यहाँ पे एक पाइपिंग बैग ले लेंगे जिससे हम केक वगैरह डेकोरेट करते हैं, तो उसके अंदर हम ये बैटर ऐड करेंगे। एक बहुत ही स्मूथ बैटर बन के तैयार हुआ था। पाइपिंग बैग में इस तरीके से हमने सारा जितना भी आ सकता था हमने इसमें ऐड कर दिया है अपना बैटर, देखिए इस तरीके से। पहले आप इसको थोड़ा निकाल के भी चेक करेंगे कि बिल्कुल ठीक से निकल रहा है। सम टाइम ऐसा होता है कि आपका जो आगे का नोज़ल होता है वो ठीक वर्क नहीं कर रहा होता, तो उसको आपको देखना होता है। यहाँ पर बेकिंग ट्रे ले ली, वैसे तो हम बटर पेपर लगाएंगे लेकिन फिर भी यहाँ पर थोड़ा सा मैंने ऑयल ऐड किया है, ग्रीसिंग की ऑयल की। फिर इसके ऊपर हम बटर पेपर रख देंगे,
बटर पेपर से ये होता है कि आपका जो बिस्किट है वो जलते नहीं है, ज़्यादा डार्क कलर नहीं होता उसका, नीचे से इक्वल कलर आता है चारों तरफ। और इस तरीके से हम इसको थोड़ा थोड़ा ड्रॉप करते रहेंगे, इतना इतना ही ड्रॉप करेंगे, और ये जब राइस होंगे बहुत अच्छे से तो ये एक अच्छा बिस्किट बन जाएगा। बहुत ही इजी रेसिपी है, बहुत इजी, कोई मुश्किल नहीं है इसके अंदर बनाना, बहुत इजीली बन जाता है। इसको थोड़ा सा टैप करेंगे ताकि जो बिल्कुल बैलेंस हो जाएगा बैटर। बहुत छोटे छोटे बिस्किट थे ये देखें, इस तरीके से बिस्किट का शेप आ गया है, उस पर हीट लगी तो वो शेप में आ गए। थोड़ा सा राइस भी होगा ये, और बहुत अच्छा कलर आएगा इस पर, बहुत अच्छे ये देखें बहुत अच्छे से बिस्किट बन के तैयार हुए थे। अभी ये बहुत गर्म है, ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए, रूम टेम्परेचर पे आ जाए, उसके बाद ही इनको निकालेंगे। बिल्कुल ये स्टिक नहीं होते हैं, बहुत इजीली निकल जाते हैं। बहुत ही अच्छे बिस्किट बनके तैयार हुए थे, बहुत ही इसका जो क्रिस्पी थे बहुत अच्छे से ही बने थे। ये देखिए इस तरीके से सारे बिस्किट हमने निकाल लिए हैं। अच्छा ये मैंने अभी गरम गरम निकाले थे, लेकिन आप थोड़ा सा ठंडा करके इसको निकालें, तो गरम होता है तो फिर वो ठीक नहीं होता है। ये देखिए बहुत ही कड़क और क्रिस्पी बनके तैयार हुए थे, बहुत अच्छे बने थे बिस्किट। और ये दूसरा बैच भी मैंने बना के तैयार कर लिया है, और ये मैं निकाल के भी आपको दिखा रही हूँ। ये थोड़ा सा ठंडा हो गया था तब निकाला था, अब इसको किसी भी एयर टाइट कंटेनर में बिल्कुल अच्छे से ठंडा करके, तकरीबन बिल्कुल ठंडा हो जाए एक घंटे तक आप इसको ऐसे ही रखेंगे, उसके बाद एयर टाइट कंटेनर में आप इसको डाल के सेव कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, ये ख़राब भी नहीं होते, बहुत अच्छे बन के तैयार हुए थे। वीडियो अगर अच्छी लगे ज़रूर लाइक कीजिएगा, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।